सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, कहीं ना कहीं इसी मिजाज के साथ पंजा आगे बढ़ता जा रहा है और आज पहुंच गया है मेयर प्रत्याशी मीना देवी के नेतृत्व में बैरिया। बैरिया के बारे में आप जानते हैं, पहले पंचायती क्षेत्र था, अब नगर निगम में जुड़ गया। नगर निगम में जुड़ने के बाद बैरिया को किस रूप में देखती है, कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव है बैरिया से? हाँ, बहुत पहले से खानदानी जुड़ाव है यहाँ पर, और यहाँ स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मतलब जिसको इसको खूब अच्छी तरह से अगर सजाया जाए तो बहुत ये अच्छी होगा, नाली भी ढंग से निकल जाएगा, रोड भी अच्छी हो जाएगी। जैसे शहर में कॉलोनी रहती है कि एक कॉलोनी से घुसेगा तो पूरे एक लाइन से चले जाते हैं, रोड रहती है, उस तरह का इसको बनाया जाए, साइड में कहीं पार्क बना दिया जाए। और यहाँ पानी के प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कोई कुआँ है, सुने कि अथी का कांग्रेस की ही बनाया हुआ है, उसी में क्यों नहीं है उसका पानी का संचालन किया जाए कि पूरे बैरिया पानी पानी हो जाए, पूरा बैरिया पानी पानी हो जाए। सुन रहे हैं ना, विपक्षियों को पानी पानी करने की स्थिति में है। क्या लगता है बाकी शहरों की तरह इसको बाकी शहरों से अलग हो ये? बाकी शहरों से जैसे डाल्टनगंज है, और डाल्टनगंज तो पूरा ये हो गया है, उसको तो कुछ ये हो नहीं सकता, वो तो कंटेस्टेड हो गया है, लेकिन ये तो कंटेस्टेड नहीं है, ये तो पूरा अति में आएगा, इसको बनाया जा सकता, बनाया जा सकता ये है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, ये अपना सोच से बनाया जा सकता है, कि ये कभी कोई आए तो हाँ कहे कि हाँ कोई बनाया है, मतलब घर हाँ। बने उससे पहले से पहले ये सारा चीज व्यवस्था की जाए, ताकि मैंने ये बड़ी बात है, और इस बात को गौर करने वाली बात है। मीना देवी ने एक बहुत ही बड़ी अच्छा बातों को उठाया है कि पहले से अगर हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सजा रहेगा, फिर कहीं ना कहीं कंजेस्टेड नहीं होगा, कहीं ना कहीं नालियों की समस्या, रोड की समस्या, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सब समस्याओं से दूर रहेगा, कहीं ना कहीं सुंदर नगर बनेगा, ये जरूरी है। नदी के किनारे आपका घर है, क्या लगता है संयोग कैसा है? वहाँ तो कचरा का ढेर है। अच्छा, और तो पूरा डाल्टनगंज का जितने भी कचरा है वो सारे कचरे वहीं ट्रक में आके भर भर के सभी जगह, सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं कि गंगा साफ हो, नदी साफ हो, ये साफ हो, फिर डाल्टनगंज में ऐसा क्यों है? हाँ। कि जो कि पूरा नगर निगम का जितना भी कचरा है सब वहीं पे जाता है क्यों? अब जैसे अब अति छठ आती है तो छठ आया तो सबको एक पैर पर खड़ा रहे कि अब सफाई चालू है, कहीं पोटी नहीं हो, कहीं कचरा नहीं हो, ये चीज पहले से क्यों नहीं, हमेशा पहले से क्यों नहीं, हमेशा होना चाहिए। भी अगर घर से निकल के जाता है तो सोचता है कि चलो नदी में थोड़ा घूमते हैं टहलते हैं, तो वहाँ तो कचरा का ढेर है तो कहाँ घूमेगा, तो आपका क्या रहेगा, आपका क्या राय है वहाँ क्या करने की जरूरत है? वहाँ सफाई करने की जरूरत है, पूरा कचरा को साफ करने की जरूरत है, उसका प्लेन करने की जरूरत है, किनारे पर पेड़ उड़ लगाने की जरूरत है, वहाँ की जो कि कोई भी जाए तो आदमी 2 घंटा वहाँ पे बैठ सके, घूम सके, टहल सके। और ये संयोग बड़ा है, आप सुन रहे हैं, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट का हाँ। अब ये नहीं कि मतलब हर छठ में कि छठ है तो बस सब जुट गया, निगरानी चल रहा है घाट को करवाया तो सफाई, मिशन अभियान चला, पैसे खर्च होने लगे तो सफाई नहीं, सफाई इसलिए ताकि हम 2 मिनट 2 घंटे उस जगह पे बिता सके, इसलिए बिता सके क्योंकि एक बात खास है और एक संयोग है कि अगर देखे गौर से तो मेदिनीनगर और चैनपुर ये दोनों इलाका कहीं ना कहीं बीच में नदी के धार के और कहीं उसे खूबसूरत सजाया सके, उसे खूबसूरती उसे दी जा सकती है तो बहुत शहर का मतलब खूबसूरती बढ़ जाएगा उसे। हाँ। कोई भी चाहेगा कि अपना घर में कोई टेंशन हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है तो सोचता है कि चले किनारे या आम तौर पे परिवार के साथ, हाँ, साथ में चले हम लोग परिवार के साथ, कैसे दिन पिकनिक मनाना है तो अपना घर से खाना वाना बना करके लेके गए, अपना बैठ खाए पिए, घूमे फिरे। ये तालाब भी है आपका बीच में जो शहर में शाही समाज के पास की जो तालाब है उसमें भी नौका विहार वगैरह हो सकता है? हाँ, उसमें भी बोटिंग वोटिंग हो सकता है, क्योंकि आदमी शहर का घूम सके, ये हो सके, उसमें भी हो सकता है, वो तो पूरा वो भी तो कचरा का ढेर बना हुआ है, पहले जो रहे हैं वो 10 साल रहे हैं, ये सब मैंने बाबा के समय तो बहुत मैंने बहुत अति था, लेकिन अभी नए पीढ़ी के तरफ थे तो वो तो उनको सजाना चाहिए था ना, सजाना इसके लिए सोचना चाहिए था ना। यहाँ तो 2 तालाब है वहाँ पे, एक वहाँ नौकेतन के पास, वो अब ये दोनों का ही होना चाहिए था कि उधर वाले आदमी का उधर कचरवा भी जुड़ी है, हाँ, उधर वाले आदमी का उधर में ये हो जाए, इधर वाले आदमी का इधर में हो जाए,
ताकि मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, दिमाग भी स्वस्थ रहे, दिल भी स्वस्थ रहे और मिजाज भी स्वस्थ रहे। और कहीं ना कहीं इसी की कवायद है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कम से कम पत्रकारिता में सीखा। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है आप तो ट्रॉफी और बैनर मोकलो सब क्यों पंजा ही बेहतर क्यों? हम पंजा पर संरक्षित हैं और हम जान रहे हैं कि पंजा छापी से सब कुछ कर सकता है, विजन दिखाई पड़ता है। हाँ बातों में है, बातों में दम तो है। आज वाकई में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मीना सिंह ने जो मुद्दे को उठाया है, कहीं ना कहीं सजाने के लिए पहले से सोचना जरूरी है। बैरिया का इलाका हो और बाकी शाहपुर का इलाका है, उन इलाकों को जोड़ करके एक नया सुंदर स्वच्छ स्वस्थ मेदिनीनगर नगर का निर्माण करना जरूरी है। क्यों लगता है आप लोग को पंजा छाप? आइए आइए सामने आइए। बड़ा बड़का पाइप झंडा लगा के जो पंजा छाप क्यों मीना देवी पर विश्वास क्यों? बहुत विश्वास क्यों, क्योंकि शुरू से हम लोग करते आए हैं, तो कोई भी ये किया है सहयोग दिए हैं, चाहे जैसे भी हो बीमारी हो चाहे जैसे भी हो, सब चीज़ में सहयोग किया, सब चीज़ में सहयोग मिला है। क्या साथ है ना? बिल्कुल 200% नहीं होता है, कभी कभी बदल जाते हैं। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से पोलिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग के बाद 85% वोट मीना जी को मिला है, इसका मैं श्योर आप। चलिए आप तो कार्यकर्ता हैं, बहुत कुछ कहेंगे लेकिन सोचना आपको है, हम इसलिए इन जगहों को दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये ना शहर में है ना ग्रामीण इलाकों में है, और कहीं ना कहीं से सजाने की जो बातें और जो खाका अपने आप में मीना देवी ने बताया। हाँ कुछ कहना चाहती हैं? अभी भी बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। इस पे जो हाँ नहीं है, जो है शहर उसी में थोड़ा बहुत ये किया जा सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा जैसे यहाँ इस पे जाए, यहाँ हर तरह से इसको निकासी किया जा सकता है, हर तरह से इसको सजाया जा सकता है। डाल्टनगंज में कहाँ है, वो तो कंटेस्टेड जगह, चौड़ी सड़कें हो जाएंगी, नालियां अच्छी रहेंगी, ताकि कितना भी घर बने तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ कहाँ है, कंटेस्टेड जगह हो गया है, वो तो उसी में जो भी करना होगा उसी में ये निकालेंगे। तभी बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरेंगी ना, तभी बड़े बड़े सफाई के कंटेनर भी पार हो सकते हैं, सफाई के कूड़े कचरे उठा करके उनको वही इलाके में भेजा जा सकता है जहाँ उनकी जगह है। और ये समझना आपको है, चूंकि मीना देवी ने जो अपना विजन तो बता दिया, आप आपका विजन एक बटन 16 अप्रैल हम 20 अप्रैल को जान जाएंगे। पंजा